तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं आज फिर एक प्रोडक्ट लेकर उसका नाम है सेफेक्सी 200 mg। तो दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे एक बार आप लोग क्लिक कर लेंगे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और वहीं पे एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप लोग दबा लीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर ले, क्योंकि मेरा हर रोज एक नया वीडियो आता है जो कि हेल्थ से रिलेटेड रहता है, जो कि सही व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता है। और दोस्तों वीडियो के पूरे अंत तक बने रहेंगे बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी बिना कुछ छूटे हुए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यह दोस्तों सेफेक्स 200 mg टैबलेट है, जो कि डिस्पर्सेबल टैबलेट है, ठीक है। ये आपको पानी में भी घुल जाएगा, आपको ये बच्चे को भी देने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसकी MRP की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका MRP होता है 104 रुपीज़, यानी 104 रुपये इसका MRP है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। यह दोस्तों मेडले कंपनी का आता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोगो लगा हुआ है। और यह दोस्तों 10 टैबलेट के स्टिक में आता है, जो कि देख सकते हैं आप लोग। यह दोस्तों किन किन चीज़ों में काम करता है हम लोग पहले बात करते हैं। तो यह दोस्तों काम करता है, यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि हमारे बॉडी में अगर कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या तो फंगल इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अगर बुखार है तो बुखार के कोई भी मेडिसिन लेने के बाद इस एंटीबायोटिक साथ में ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सर्दी है, खांसी है, तो उसमें भी आप सर्दी खांसी का मेडिसिन के साथ साथ एंटीबायोटिक एक ज़रूरी होता है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या तो कोई भी इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन को रोकता है, इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, उल्टी है, तो उसमें भी आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद दस्त अगर होता है, ठीक है, दस्त अगर होता है तो उसमें ले सकते हैं। डायरिया हो रहा है तो उसमें आप डायरिया के मेडिसिन के साथ साथ एक एंटीबायोटिक ज़रूरी होता है, जो कि सिफेक्सिम होता है, इसका कंपोजिशन होता है, देख सकते हैं सिफेक्सिम, जो कि हमारे शरीर में बहुत ही एक अच्छी भूमिका निभाती है, जो कि ज़रूरी होता है, ठीक है। वो हम लोग को आगे इन्फेक्शन नहीं होने देने के लिए दिया जाता है ये एंटीबायोटिक। उसके बाद अगर आपको कहीं पे घाव है, अगर घाव नहीं सूख रहा है तो उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। उसके बाद पेट का इन्फेक्शन हो किसी प्रकार के, उसमें ले सकते हैं, या तो बलगम हो उसमें ले सकते हैं, बलगम वाली खांसी का इन्फेक्शन हो उसमें ले सकते हैं, या तो किसी पेशेंट को अस्थमा वाली प्रॉब्लम हो, अस्थमा पेशेंट हो उसमें ले सकते हैं, उसका छाती का इन्फेक्शन हो उसमें ले सकते हैं, या तो यूरिन इन्फेक्शन हो उस कंडीशन में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर छाती में सूजन वगैरह हो चुका है तो उसमें ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी काम करने वाली मेडिसिन है एंटीबायोटिक है ये। उसके बाद अगर आपको टाइफाइड बुखार हो चुका है, टाइफाइड निमोनिया होता है, अगर ये हो चुका है तो उस कंडीशन में भी आप इसे ले सकते हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला ये टैबलेट है, ठीक है। और दोस्तों इसका डोजेस की अगर हम लोग बात करें तो इसका डोज जो होता है 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम से ले सकते हैं, खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद ले सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ आपको दोस्तों होती है, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, उल्टी हो, दस्त हो, डायरिया हो, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर होती है तो उस चीज़ का मेडिसिन, यानी कि अगर आपको वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग का अलग मेडिसिन आता है, तो वोमिटिंग का मेडिसिन लेने के बाद उसके साथ में एक एंटीबायोटिक ज़रूर ले लेंगे, जो कि एंटीबायोटिक ये है, जो कि आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक के साथ में लेकर खाएं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट दिखेगा, जल्द से जल्द आपको राहत मिलेगी, ठीक। और दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका साइड इफेक्ट होता है, इसको लेने से आपके शरीर में दाना हो सकता है, चक्कर आ सकता है, मितली हो सकता है, ठीक है, तो ये हो सकता है, या तो ईचिंग वगैरह शरीर में हो सकता है, चकत्ता हो सकता है पूरे बॉडी में, ये इसका साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर कुछ आपको दूसरा साइड इफेक्ट दिखता है तो उस कंडीशन में भी आप इसे तुरंत बंद कर देंगे और अपने आसपास के डॉक्टर से जाकर तुरंत मिल लेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कुछ पूछना होगा, उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर देखिएगा, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट करवाना होगा तो या तो स्पॉन्सर्ड के लिए कांटेक्ट करना होगा, स्पॉन्सरशिप के लिए, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ, कांटेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो कैसे लिखे, जानकारी आपको कैसे मिली है जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर जानकारी अच्छी मिली है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।